वॉचिंग स्टार 9 न्यूज। पनवेल और मुलुंड टोल के बाद पुलिस ने दहिसर टोल नाका पर मनसे को उस समय हिरासत में ले लिया जब गाड़ी वाले को टोल न देने के लिए मना कर रहे थे। राज ठाकरे के आदेश के बाद मनसे कार्यकर्ता दहिसर टोल नाका पर जांच करने पहुंचे। डॉट वे सब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक तिपहिया दो पहिया और चार पहिया वाहनों के चालकों को टोल न देने वाला वीडियो दिखा रहे थे और टोल न भरने के लिए कह रहे थे। फिलहाल उन्हें दहिसर पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा पत्रकार परिषद लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के कल के दिए हुए बयान का वीडियो ठाणे मनसे द्वारा आनंद नगर जकात नाके पर लोगों को दिखाकर जन जागृति करते हुए दिखाया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चार पहिए वाली गाड़ियों को टोल मुक्त ऐसा बयान दिया है। उसी वीडियो को आने जाने वाले वाहन चालकों ठाणे मनसे द्वारा लोगों को इसकी मालूमात दी जा रही थी। उसी दरमियान मुलुंड पुलिस डीसीपी अन्य पुलिस मनसे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की मात्र मनसे नेता अविनाश जाधव लिखित जवाब देने की मांग कर रहे थे, तभी डीसीपी ने अविनाश जाधव को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक मिनट, महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी काल सांगितलं जाहीर की आम्ही मोठ्या गाड्यांना टोल नाही, ते कसे घेत आहेत, त्यांचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे खरं तर। की उपमुख्यमंत्री सांगतात की टोल माफ झाला आहे, तरी ते बळजबरी लोकांकडनं पैसे गाडी थांबवून करतात, त्याच्यावर पहिले गुन्हा दाखल करा आणि मग माझ्यावर आज गुन्हा। आज मी अरेस्ट होणार नाही। पहिला तुम्ही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना ऐकणार, या टोलचा महाराष्ट्राच्या सांगितलं की आम्ही छोट्या गाड्यांना टोल माफ केले, ते बळजबरी टोल वसूल करतात छोट्या गाड्यांकडनं। त्यामुळे पहिला गुन्हा आता टोल एजंट वर करा अशी मागणी, तोपर्यंत मी आज अरेस्ट होणार नाही। पाहिलं